तो आपका टॉपिक है नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मौलिक अधिकार। इसमें आप देखिए 14 राज किसी व्यक्ति को विधि के समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, मतलब सबको लॉ के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त। 15 तो आपको याद ही धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा। 16 राज लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग आदि ठीक है पर नागरिकों में भेद नहीं करेगा। 18 राज सेना या विधि संबंधी सम्मान के भी सिवाय कोई उपाधि नहीं प्रदान की, ठीक है। अपराधों 20 में अपराधों के दो सिद्धि के संग में संरक्षण। 22 बिना कारण बताए किसी को निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे किसी वकील से परामर्श लेने से वंचित किया जाएगा, है ना। 28 पूर्ण राजनिधि से पोषित, ठीक है, क्या बोला जा रहा, पूर्णतः राजनिधि से पोषित संसद में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, बोले जा रहा विधायी शक्ति बोले तो लेजिस्लेटिव की पावर होता है, अत्यधिक मर्यादाएं आरोपित करने वाले मूल अधिकार में 15, 17, 18, 20, 24 विधायी शक्तियों पर मर्यादाएं आरोपित की गई। कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर पर मर्यादाएं आरोपित करने वाला मौलिक अधिकार पार्थिरी में, ठीक है। कुछ मौलिक अधिकार राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध है, जैसे कार्यवाही के विरुद्ध कौन कौन सा है तो 19, 25, 21, 26। कुछ अधिकार न केवल राज्यों के विरुद्ध बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त, ठीक है। जैसे कुछ मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है जबकि कुछ निजी व्यक्ति से संरक्षण प्रदान करते हैं। उक्त अधिकार निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत देखने को मिलते हैं। नहीं तो जैसा आप देखोगे यहाँ पर दिख रहा है कि